हमें तो आईना नहीं समझ पाया, तुम हमें क्या पहचानोगे? कि हमें तो आईना नहीं समझ पाया, तुम हमें क्या पहचानोगे? पर ये मक्खन लगाने की आदत गई नहीं तुम्हारी, लगता है मरम्मत करवा के मानोगे। और पैसों के लिए तो सुना भी था, किसी का यूज करके अपनी औकात कौन दिखाता है? कि पैसों के लिए तो सुना भी था, किसी का यूज करके अपनी औकात कौन दिखाता है? और तुम गिरवी होते तो खरीद भी लेते, अब गिरे हुए की कीमत कौन लगाता है? तू मेरे रास्ते में बाधा तो बन सकता है, पर मुझे मेरे मुकाम से नहीं हटा सकता। कि तू मेरे रास्ते में बाधा तो बन सकता है, पर मुझे मेरे मुकाम से नहीं हटा सकता। और उसने जो मुझे लिख दिया तो लिख दिया, और उसका लिखा तेरा बाप भी नहीं मिटा सकता। कि ना जाने कितने नाटक करता था मैं घर में बनी उस सब्जी को खाने में, कि ना जाने कितने नाटक करता था मैं घर में बनी उस सब्जी को खाने में। एक रोज बाप के साथ जाके देखा तो पता चला कि अच्छे अच्छे को सूझ पड़ जाती कमाने में। हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है। और मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल हैं अब, मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल हैं अब, मेरा गवाह गवाही देने से मुकर गया है। और मेरी फांसी मुकर्रर होने पर वो मुस्कुराई, मेरी फांसी मुकर्रर होने पर वो मुस्कुराई बहुत। न जाने कौन सा वहम उसके सर चढ़ गया है, तेरे जाने के बाद जीने की तमन्ना तो यूं भी ना थी, अरे वो शख्स तो मेरे हक में फैसला कर गया है। हम यूपी से हैं, मोहब्बत का मतलब हमसे पूछिए। जिन हाथों से पड़ती है मार, थोड़ी देर बाद उन्हीं हाथों से खाना खिलाया जाता है। कुछ तो जला होगा यूं बेवजह धुआं तो ना हुआ होगा, कि कुछ तो जला होगा यूं बेवजह धुआं तो ना हुआ होगा। जिसे डरते हैं ख्वाब में देखने से भी, वो हादसा हकीकत में जैसे हुआ होगा। और मेरे हाथ कांपते हैं उसकी तस्वीर को छूते हुए, ए दोस्त वो गैर के साथ हम बिस्तर कैसे हुआ होगा। कि काले लिबास में वो चांद सी लगती है, काले लिबास में वो चांद सी लगती है मगर लाल में कमाल लगती है, काले लिबास में वो चांद सी लगती है मगर लाल में कमाल लगती है। और अगर आ जाए उसकी नाक पे गुस्सा, माँ कसम बवाल लगती है। हम उनका इतना इंतजार करते हैं कि साला वक्त भी सवाल पूछने लग जाता है कि बस यार इतना वक्त तो मेरे पास भी है, और फिर भी ना उनका इंतजार करना नहीं छोड़ा। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या, क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएगी। जो कभी जहन तक में तस्लीम था वो नजरों तक से गिर गया है, जो कभी जहन तक में तस्लीम था वो नजरों तक से गिर गया है। वो बता रहा है हद में रहो, जो अपनी हद से गुजर गया है। और अगर हिम्मत हो तो वार सीने पर करना, मैं पीठ पीछे भोकने वाला नहीं, मैं एक हमलावर खानदानी हूँ। और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बस एक बार बेड़िया खुलने की देर है, इन सारे मिलावटी परिंदों को मुट्ठी में जकड़ लूंगा। कि बस एक बार बेड़िया खुलने की देर है, इन सारे नकली परिंदों को मुट्ठी में जकड़ लूंगा। और तुम मांगते रहना भीख अपनी जीत की इन पत्थर की मूर्तियों के आगे, जब तक मेरी माँ मेरे साथ, मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। अब साथ में बैठी तेरी एक हसीना है, तेरे परफ्यूम से भी महंगा मेरा पसीना है। पिज्जा बोल के खाता है तू रोटी, एक्सपेंसिव तेरी चीज है पर सोच है तेरी छोटी। फॉर्मेट की समझ है पर ये भी समझ ले, मैं हूँ पूरा लेग पीस, तू है सिर्फ छोटी। तेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती, ये लड़की मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती। उसकी फिक्र करूँ तो हुकूमत बताती है, उसकी फिक्र करूँ तो हुकूमत बताती है, यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.